भारत सरकार के बजट पर बरसी मायावती, दिया ऐसा बयान कि मोदी के कानों से निकल जाएगा खून। मेरा नाम सुमित, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल भारत दस्तक के ऊपर। दोस्तों, 2 तारीख है आज, 2 फरवरी। आज की कुछ बहुत महत्वपूर्ण खबरें लेकर आया हूँ आप लोगों के बीच में, जो कि आपके लिए जानना और बहुजन समाज के लोगों के लिए जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। तो पूरा वीडियो आखिर तक देखिएगा, बिल्कुल भी कहीं पर स्किप मत कीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जैसा कि आपको मालूम होगा 31 जनवरी को एक महा आंदोलन हुआ था ईवीएम के खिलाफ दिल्ली में। अब एक और नए आंदोलन की शुरुआत होने वाली है ईवीएम के खिलाफ दिल्ली में ही, और ये आंदोलन होगा 19 फरवरी 2024 को। हाँ दोस्तों, इसकी घोषणा खुद वामन मेश्राम साहब ने करी है, साथ में उदित राज जी भी है, तो ये वीडियो देखिए। तो 19 फरवरी को ईवीएम हटाओ एक बड़ा और आंदोलन होने वाला है। उस आंदोलन में भी हम सारे देश भर से लोगों को इकट्ठा करने के लिए अपील करते हैं और इकट्ठा करने के लिए सारे देश भर से लोगों को लाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, नए आंदोलन की घोषणा जो कि ईवीएम के खिलाफ होने वाला है, उसकी घोषणा करते हुए वामन मेश्राम साहब ने कहा है कि वो देश के और भी बहुजन लीडरों से मिलेंगे और उन लोगों से मिलेंगे जो भी ईवीएम के खिलाफ है और जो भी लोकतंत्र बचाना चाहता है, उन सबको साथ लेकर 19 फरवरी 2024 को एक और विशाल महा आंदोलन करा जाएगा ईवीएम के खिलाफ और देश के चुनाव आयोग के खिलाफ। तो क्या आप भी इस आंदोलन में शरीक होंगे और आपका समर्थन है तो नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, हमारे समाज के एक मुख्यमंत्री है, झारखंड के आदिवासी मुख्यमंत्री है, उनको मजबूरन इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि इस जो मनुवादी सिस्टम है देश का, मनुवादी सरकार है, वो उनके पीछे पड़ गई। उन्होंने उनके पीछे झूठे आरोप लगाकर ईडी और सीबीआई को उनके पीछे छोड़ दिया। तो दोस्तों, मजबूरन हमारे एक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन उनके इस्तीफा देने के बाद जो हमारे देश की मीडिया है, जिसे हम मनुवादी मीडिया बोलते हैं, चातुकारिता मीडिया बोलते हैं और देशद्रोही मीडिया बोलते हैं, उसने एक ऐसा बयान दे दिया। एक है तिहाड़ी चौधरी, जिसे लोग सुधीर चौधरी के नाम से भी जानते हैं, उनका कहना है कि जो शानो शिकस्त से जीता था हेमंत सोरेन और अब आदिवासियों की तरह जंगल में रहेगा। दोस्तों, ये वीडियो देखिए। सही होगा जैसे वो 20-30-40 साल पहले वापस अपने किसी आदिवासी के तौर पर किसी जंगल में चले जाएं, आज की रात काफी मुश्किल होने वाली है। वीडियो में आपने साफ साफ देखा दोस्तों कि किस प्रकार से एक रिस्पेक्टेड पूर्व मुख्यमंत्री, हालांकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है इसलिए पूर्व मुख्यमंत्री बोल रहा हूं, हेमंत सोरेन जी के लिए एक कैसे ओछे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है और किस प्रकार से कह रहा है कि अब इनको आदिवासियों की तरह जंगल में रहना पड़ेगा। इनकी नजर में अगर एक बहुजन, एक आदिवासी दलित मुख्यमंत्री बन जाए तो इनकी नजर में आज भी वही व्यक्ति जंगल में रहने वाला है। अगर वो प्लेन में भी घूमता है तब भी वो जंगल में रहने वाला है। एक दलित प्रधानमंत्री क्यों ना बन जाए, राष्ट्रपति क्यों ना बन जाए, इनके लिए आज भी नाली साफ करने वाला ही है दोस्तों इनकी नजरों में। और ये हमारे लिए ऐसी ओछी मानसिकता और ऐसे ओछे शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसको लेकर हंसराज मीना जी लिखते हैं, जो कि खुद एक आदिवासी एक्टिविस्ट है, वो लिखते हैं, आज तक के एंकर सुधीर चौधरी ने झारखंड के लोकप्रिय सीएम हेमंत सोरेन जी को लेकर सारे आदिवासी समुदाय का अपमान किया है, यह असहनीय है। सुधीर चौधरी के खिलाफ SC ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। झारखंड पुलिस में शीघ्र ही गिरफ्तारी की मांग करता हूं, और ऐसे लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए जो देश के एक रिस्पेक्टेड पर्सन को ऐसी ओछी मानसिकता और ओछे शब्दों से बुलाए। आप क्या कहते हो, नीचे कमेंट जरूर करें। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा, भारत सरकार का बजट आ चुका है और इसको लेकर बहन कुमारी मायावती जी ने दे दिया है बड़ा बयान। बहन कुमारी मायावती जी कहती है इस बजट को लेकर, केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा चुनाव से पूर्व संसद में आज बजट पेश, जमीनी वास्तविकता से दूर चुनावी लुभाने वाला वायदा है। इस प्रकार देश की जनता अपार गरीबी, बेरोजगारी, बढ़ती हुई महंगाई आदि से त्रस्त जीवन को नकारना अति दुखद व चिंतनीय है। इसके साथ ही देश की अर्थव्यवस्था व विकास संबंधी सरकारी दावों में जमीनी सच्चाई होती तो फिर यहाँ के 80 करोड़ से अधिक लोगों को फ्री में राशन कम होता, जीवन जीने का मजबूर नहीं होना पड़ता। तो सीधे सीधे बहन जी कहना चाहती है कि ये जो बजट आया है भारत सरकार का, ये बिल्कुल दुखद है और इसमें गरीबों के लिए कुछ भी नहीं है। अगर तनिक भर भी सच्चाई होती तो देश के
80 करोड़ लोगों को मुफ्त 5 किलो अनाज के लिए लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ता। बहन जी ने बिल्कुल सही कहा, पॉइंट वाली बात कही और तर्क वाली बात कही। अगर इस देश में सरकार सही काम कर रही होती तो आज गरीबों को लाइन में लगकर 5 किलो मुफ्त अनाज के लिए हाथ फैलाकर भीख नहीं मांगनी पड़ती सरकार के आगे। आप क्या कहते हो नीचे कमेंट करें। दोस्तों उसके बाद इसी ट्वीट को रीट्वीट करते हुए उनके भतीजे आकाश रंजन जी लिखते हैं, मंदी की आहट से दुनिया की बड़ी से बड़ी अर्थव्यवस्थाएं डरी हुई है और खास तौर से भारत में लगातार घट रही मांग मंदी की मुख्य वजह बनी हुई है। ऐसे में इस बजट से लोगों के हाथ में कुछ पैसा आता तो शायद इससे डिमांड बढ़ती और अर्थव्यवस्था में फायदा पहुंचता, लेकिन उदासहीन बजट में ना तो किसानों को कुछ मिला, ना ही लघु उद्योगों को कुछ मिला, ना ही गरीबों को कुछ मिला। सबसे बुरा हाल यहाँ मिडिल क्लास का है, जिसे हर बार की तरह इस बार भी सिर्फ धन्यवाद और झूठी उम्मीद का चश्मा पहनाकर वित्त मंत्री ने काम चला लिया। वैसे भी देश के मध्य वर्ग की चिंताओं से इस सरकार ने बरसों पहले ही नाता तोड़ दिया था। तो दोस्तों आपने देखा, मध्य वर्ग की बिल्कुल भी चिंता नहीं है, मिडिल क्लास की बिल्कुल भी चिंता नहीं है, ऐसा कहना है आकाश आनंद जी का मोदी सरकार के बजट को लेकर। तो आप क्या कहते हो इस बजट को लेकर नीचे कॉमेंट जरूर करें। तो दोस्तों अभी तक की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।